Who, when and how Credit Suisse Bank collapse happen? Hello investors, हम लोग इस वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. First, who is the Credit Suisse Bank? Second, when this collapse happens? Third, most important, how it affects on the Indian stock market? Back to back bad news आ रही है. So let's start. क्रेडिट स्विस बैंक वर्ल्ड का 12th लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजर और 30th ग्लोबली सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक. ग्लोबली सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक मीन्स अगर ये बैंक के बंद होने के 1% भी चांस होते हैं तो पूरी दुनिया पे इसके क्राइसिस देखने को मिलेंगे. आइडियली इस तरह के बैंक कभी बंद नहीं होते. अगर देखा जाए क्रेडिट स्विस बैंक 2006 से 97% से ज़्यादा करप्ट हो चुका है. और कहते हैं कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में ऐड हो तो बिजनेस मॉडल चाहे जितना भी अच्छा हो वो एक ना एक दिन बंद हो जाता है. बट हम लोग पास्ट की बात ना करते हुए 2023 से स्टार्ट करते हैं. सो ये सब स्टार्ट हुआ 9 फरवरी 2023 को जब क्रेडिट स्विस बैंक ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट को प्रेजेंट किया जो पिछले के 15 साल में सबसे ज़्यादा वर्स्ट था. 2008 में 8.9 बिलियन US डॉलर का लॉस और 2023 में 7.9 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस. फिर 9 मार्च 2023 को इनकी एनुअल रिपोर्ट को गलत बताकर यूएस की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने वापस कर दिया. अंत में 14 मार्च 2023 को जब इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट को पब्लिश किया मार्केट स्टार्ट कोलैप्स. और जब उनके मेन शेयर होल्डर जो कि सऊदी नेशनल बैंक है उनसे इन्वेस्टमेंट की हेल्प मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया जिसके कारण ही उसी दिन 30% का मूव देखने को मिला और 10% और चला गया 15 मार्च को. फॉरेन बैंक की प्रेजेंस तो वैसे इंडिया में बहुत कम है पर फॉरेन बैंक की प्रेजेंस 50% तक है फॉरेक्स डेरिवेटिव मार्केट में और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव मार्केट में. सो अगर वो इस क्राइसिस टाइम में पैसा निकालते हैं तो डेरिवेटिव मार्केट में वॉल्यूम की कमी मिल सकती है विच अफेक्ट द डेरिवेटिव प्लेयर्स. वैसे तो क्रेडिट स्विस बैंक ने 54 बिलियन डॉलर की बोरोइंग्स ली है स्विस सेंट्रल बैंक से. पर आपको क्या लगता है इस अमाउंट से इस बैंक की क्राइसिस को टाला जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा. तब तक के लिए मेक योर मार्केट जर्नी प्रॉफिटेबल. बाय.